बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, पॉलिसी टॉक में। और हम जानते हैं कि आप प्रदेश के ना सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री हैं बल्कि गृह मंत्री भी हैं। तो इस पूरी महामारी का जो लड़ाई है वो आप ही लड़ रहे हैं, तो हमें आपसे काफी उम्मीद है। मैं आपसे कुछ चीजें जानना चाहता था जो आम आदमी भी जानना चाहता है। एक तो आप जानते हैं कि दिल्ली में जो स्थिति बन गई है कि बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है और दवाइयों की भी कमी होती जा रही है, तो हरियाणा में इस समय क्या स्थिति है? नहीं, हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमारे पास, हमने पहले ही इंतजाम कर लिया था। जैसे ही ये दूसरा दौर शुरू हुआ तो मैंने अधिकारियों को कहा कि पहले दौर में जो जो सर्विसेज हमने एक्टिवेट की हुई थी उनको पुनर्जागृत किया जाए, और सारी हमने दोबारा शुरू कर दी। मेरे पास 11,000 जो हैं आइसोलेशन बेड्स हैं, मेरे पास 2,000 ICU बेड्स हैं, मेरे पास 1,000 जो हैं वेंटिलेटर्स हैं, PPE किट्स हैं, मेरे पास मास्क हैं, मेरे पास जो मेडिसिन हैं वो सफिशिएंट जितनी हमें जरूरत है हमारे पास हैं। और उसके अतिरिक्त भी मैंने सभी उपायुक्तों को आदेश दिए हैं कि हर मरीज को बेड मिलना चाहिए। अगर हमारे सरकारी अस्पतालों में कमी पड़ जाती है आप जानते हैं सरकारी अस्पताल में तो विद साहब बेड है ही नहीं। और आज की तारीख में मैं गुड़गांव में बैठा हूं और मेरे पास सुबह से कम 15-20 फोन आ चुके हैं लोगों के जिनको बेड नहीं मिल रहा है। तो बेड की कमी, मैं आपको, हाँ जी मैं आपको बता रहा हूं, कल ही हमने सारे SPs DCs की मीटिंग की थी और उनको हमने कहा है कि आप प्राइवेट जो अस्पताल हैं उनको, आप जो एपिडेमिक एक्ट है उसके तहत आपको पावर है, आप उसको एक्वायर कर सकते हैं, आप उनको एक्वायर करिए। और अगर फिर भी जगह कम पड़ती है तो धर्मशालाओं में, होटलों में या स्कूलों में आप बेड्स लगाएं, लेकिन किसी भी मरीज को बेड की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमारे लिए थोड़ी सी जो स्थिति हमारे हरियाणा में है, हमारे लगभग 70% जो मरीज हैं वो होम आइसोलेशन में है, उससे हमें काफी रिलीफ मिलता है बेड्स के उसमें, और उसकी भी हमने चिंता की है। मैंने उसके लिए टीम्स बनाई हैं। मैंने कहा कि वो भी हमारा दायित्व है, वो भी हमारी जिम्मेवारी है कि वो उनकी केयर हो। तो हर जो होम आइसोलेशन में पेशेंट है, हमारी डॉक्टरों की टीम 2 दिन में एक बार कम से कम उनको घर में जाके चेकअप करे, उनको दवाइयां दे और उनको कोविड से लड़ने के जो गाइडलाइंस हैं वो उनको बता के आए, और वो हम कर रहे हैं और उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। बकायदा हमने एक ऐप बना रखी है, हर मरीज का जो होम आइसोलेशन में है उसके ऊपर डेटा है और हम उसको मॉनिटर करते हैं। बकायदा मुझे रिपोर्ट सबमिट की जाती है और यदा कदा मैं भी किसी ना किसी होम आइसोलेशन वाले को फोन करके पूछता हूँ कि क्या मेरी टीम आपके पास विजिट करने आई, तो अभी तक तो रिजल्ट ठीक नजर आ रहा है। देखिए, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो आपकी साइट से लिए गए हैं, coronahariana.in, जिसपे आपने अवेलेबिलिटी दिखाई है बेड्स की और वेंटिलेटर्स की और मतलब टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स की। तो इसमें करीब 26,025 बेड आपने दिखाए हैं पूरे गुड़गांव में और 1782 बेड दिखाए हैं फरीदाबाद में। मैं दो बड़े शहरों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों बड़े शहर दिल्ली से जुड़े हुए हैं और इसमें मतलब हॉस्पिटल्स का ये अनुमान है कि कम से कम 40-50% मरीज दिल्ली से आ रहे हैं। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि दिल्ली से मरीज आ रहे हैं, पर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इन दो शहरों में कोई आप डायरेक्ट इंटरवेंशन कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि एग्जिस्टिंग प्राइवेट सेक्टर होटल को टेक ओवर कर लें या फिर कोई बैंक्वेट हॉल को करें, तो ऐसा क्या कुछ कर रहे हैं बेड की संख्या और वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाने के लिए? बिल्कुल, मैंने आदेश दिए हैं और मैंने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को कहा है कि वो अपने अपने जिलों में मॉनिटरिंग कमेटी बनाएं जिसमें सारे उच्च अधिकारियों को रखें
और हमें अपडेट करें कि कहां पर, क्योंकि हर जिले की वैसी स्थिति नहीं हो सकती, अलग अलग जिलों की अलग अलग स्थिति हो सकती है, कुछ में शॉर्टेज हो सकती है, कुछ में हमारे पास सफिशियंट बेड्स हो भी सकते हैं। तो मैंने आदेश दे रखे हैं और मैं सबसे रेगुलरली इन टच हूँ, और गुड़गांव का और फरीदाबाद का हमें पता है, सोनीपत का हमें पता है कि हमारे पास बाहर का पेशेंट बहुत आ रहा है, हमारा अपना छोड़ के, लेकिन मरीज मरीज है, बीमारी है, हम जो भी आएगा उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसका इलाज करेंगे, हमें इससे कुछ लेना नहीं है कि कौन कहां से आया है। जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी ताकत है, हम पूरी लगाएंगे कि जो मरीज हमारे पास आए हम उसको ठीक करें। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने गुड़गांव के CMO से बात की है और उन्होंने भी चिंता व्यक्त की है कि केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको मैंने कहा है कि आप सारे DC के साथ मिलकर आप ये सारे इंतजाम कराएं, किसी भी मरीज को कोई ऐसा ना हो। मैंने तो यहाँ तक कहा है कि एक बेड के ऊपर मुझे दो मरीज कहीं नजर नहीं आने चाहिए, हर मरीज को बेड मिले, उसकी व्यवस्था हो। उसके लिए अभी एक घंटा पहले ही मैंने गुड़गांव के CMO से बात की है। देखिए, हमें पता था ये महामारी आ रही है और हमें पता था कि इसका दूसरा एक चरण भी आएगा, और करीब एक साल से इस महामारी की बात हो रही है। तो आपके हिसाब से हरियाणा ने बजट में भी करीब 33% की एलोकेशन बढ़ाई थी हेल्थ को लेते हुए, कहां पे कमी रह गई है विद साहब, हमारी तैयारी में या हमारी प्रिपरेशन में, कि हम इस महामारी को अभी भी पूरी तरह से काबू में नहीं ला पाए। जहां तक मुझे देखिए, मुझे सारे बाकी हिंदुस्तान, हमने पूरी व्यवस्थाएं की हैं, और अगर आप कमी की बात करते हैं तो कमी तो 70 साल की है, कि 70 साल में हमने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कुछ किया ही नहीं है। अब एकदम महामारी आ गई और एकदम ये सारी आवश्यकता पड़ गई, 70 साल में चिंता नहीं की गई है, लेकिन अब इसके लिए जैसे ही ये आई महामारी, हमने सारे इंतजाम किए हैं। पहले साल हमें जरूर थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन इस साल हमारे पास एक साल का अनुभव भी है, और मेरी टीम, मेरी डॉक्टर्स जो हैं, बहुत को दृढ़ता के साथ, इसको मजबूती के साथ इस बीमारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और हमारा जो यहाँ पर रिकवरी रेट है वो भी बहुत अच्छा है, और मोर्टेलिटी रेट भी 1.01 है। हम चाहते हैं कि उसमें भी और सुधार हो, हम उसमें भी सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, रिकवरी रेट को भी हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2-3 हफ्तों में, खासतौर से अप्रैल 1 से, जो माइग्रेंट लेबर हैं, जो हरियाणा में आप जानते हैं कृषि के लिए भी और सर्विसेज जॉब्स के लिए भी और फैक्ट्रियों में भी काफी माइग्रेंट लेबर आते हैं, उनका पलायन अब दोबारा से शुरू हो गया है। इसके लिए सरकार ने कोई व्यवस्था की है, बसों की या खाने की या उनके उनके टेस्टिंग या ट्रेसिंग की? नहीं, हरियाणा में कोई पलायन नहीं है। कुछ लोगों ने कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्रचारित करने की कोशिश की थी कि शायद हरियाणा में भी लॉकडाउन लगेगा। मैंने बार बार अपने वक्तव्यों में इस बात को स्पष्ट किया है कि हम लॉकडाउन के फेवर में नहीं है। कोरोना से लड़ने के दो ही तरीके हैं, एक लॉकडाउन है और दूसरा है सख्ती। मैंने दूसरे तरीके पर मैं दाव आजमा रहा हूँ। सख्ती करने के लिए मैंने जो इसका प्रोटोकॉल है कोरोना का, वो मैंने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को कहा है, SPs को कहा है कि आप सख्ती से इसका पालन करवाएं। सख्ती करने से मुझे मालूम है कि लोगों में नाराजगी आती है, लेकिन मैं लोगों की नाराजगी झेल सकता हूँ, मैं लाशों के ढेर नहीं देख सकता। मैंने इसलिए कहा है कि आप पूरी तरह से सख्ती कीजिए, हम सख्ती कर रहे हैं और किसी भी प्रकार का लॉकडाउन हम नहीं लगा रहे हैं, ताकि हम चाहते हैं कि जिंदगी चलती भी रहे और जिंदगी बची भी रहे। ये इस थीम पर मैं काम कर रहा हूँ कि जिंदगी बची भी रहे, दोनों चीजें हम चाहते हैं। इसलिए हमने मजदूरों को कहा है कि किसी प्रकार की किसी की बात में आने की जरूरत नहीं है, सारी फैक्ट्रियां यथावत चल रही हैं और हम उनमें कोरोना नियमों का पालन करवाएंगे। जो नाइट शिफ्ट है वो 10 बजे से पहले जा सकते हैं, क्योंकि हमने नाइट कर्फ्यू लगा रखा है, और सुबह 5 बजे के बाद वो छुट्टी कर सकते हैं, तो इसलिए सारा दिन फैक्ट्रियां चल सकती हैं, किसी मजदूर को प्लान करने की आवश्यकता नहीं। साहब, एक बहुत बड़ा जो डर है अभी आम जनता में वो ये है
कि कुंभ मेला से जो लोग वापस आ रहे हैं शायद वो उनमें कई लोग कोविड पॉजिटिव होंगे, तो ये जो यात्री वापस आ रहे हैं इनको ट्रैक ट्रेस करने के लिए राज्य सरकार ने कोई योजना बनाई है, कोई कार्यक्रम है जिसके तहत उनको ट्रैक या ट्रेस और ट्रीट कर सकते हैं? नहीं, ये खतरा हमारे मन में भी है कि इतनी बड़ी संख्या में कुंभ मेले में लोग इकट्ठे हुए, वो सारे संक्रमित हो सकते हैं, अब वो भिन्न भिन्न साधनों से अपने गंतव्य स्थानों तक जा रहे हैं, इसका खतरा तो है बहुत ज्यादा। तो इसके लिए कोई आपने तरीका बनाया है कि जो लोग वापस आ रहे हैं वो गांव जा रहे हैं तो उनको ट्रैक या ट्रेस और ट्रीट कैसे अभी करेंगे? तक हमने कोई बॉर्डर्स वगैरह सील नहीं किए हैं अभी तक, अभी हमने विचार नहीं किया है, हम इस पर विचार कर सकते हैं कि जो लोग हरियाणा में प्रवेश करें वो RT-PCR का सर्टिफिकेट लेके प्रवेश करें, हम इस पर विचार कर सकते हैं। अभी तक जो इसकी कोरोना की ट्रैकिंग हो रही थी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रही थी, बट क्योंकि अब गांव से भी केस आ रहे हैं जो पहली वेव में नहीं आए थे, तो क्या ब्लॉक लेवल पे कोई टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है जैसे कि इसकी ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट हो सके? नहीं, ये आपकी बात ठीक है कि पहली बार में गांव से केसेस नहीं आ रहे थे और उनकी इम्यूनिटी शायद मजबूत है, लेकिन ये जो इस बार का स्ट्रेन आया है ये ज्यादा इन्फेक्शियस लग रहा है, ये ज्यादा असर डाल रहा है, ज्यादा लोगों को ये घेर रहा है, तो उसके लिए हम चौकस हैं। हम रेगुलरली अपने सारे CMOs के साथ मीटिंग कर रहे हैं, हम सारे जो हमारे CMOs हैं उनका हमने जो एक्सपर्ट्स हैं जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं एक्सपर्ट हैं उनके साथ हम अपने PGI रोहतक के डॉक्टर्स हैं उनकी मीटिंग्स करवा रहे हैं कि किस प्रकार से ट्रीटमेंट देनी है, किस प्रकार से ठीक करना है, क्या जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होना चाहिए वो करना चाहिए, और ये बाकी जगह पर भी जो टेस्टिंग है वो हमने बढ़ाने का लक्ष्य रखा हुआ है। अभी तक हम लगभग 36,000 लोगों की रोजाना टेस्टिंग कर रहे हैं, इसको बढ़ा के 40-50,000 तक मैं करना चाहता हूँ ताकि जितनी ज्यादा टेस्टिंग हो। हमने कहा है कि एक कोरोना पॉजिटिव के लिए कम से कम 30 कॉन्टेक्ट्स को आप टेस्टिंग करिए, और उसको हम बढ़ा रहे हैं, अभी हमारी कम है लेकिन हम उसको बढ़ाने के लिए बार बार अपने विभागों पर दबाव डाल रहे हैं। वेद साहब, एक तो है दबाव डाल के काम कराना, दूसरा है संगठित करके प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके काम कराना, क्योंकि जो लोगों को दिक्कत आ रही है वो ये है कि टेस्ट तो हो जाता है, सैंपल कलेक्ट हो जाता है, लेकिन उसका रिजल्ट आने में अब 4-5 दिन लग रहे हैं, तो आदमी को ये पता नहीं है। बिल्कुल, ये कि उसको बिल्कुल गलत है। हरियाणा में ऐसा नहीं है। देखिए, हरियाणा में जब ये कोरोना शुरू हुआ हमारे पास एक भी लैब नहीं थी, अब हमारे पास 35 लैब हैं हरियाणा में, 18 हमारी सरकारी क्षेत्र में लैब्स हैं, और कहीं पर भी कोई पेंडेंसी नहीं है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में हर आदमी को रिजल्ट पहुंच जाता है, और हरियाणा में इस प्रकार की दिक्कत नहीं है। कहीं होगी उस प्राइवेट लैबों में हो सकती है, लेकिन हरियाणा में नहीं है, हरियाणा के जो हमारी 18 सरकारी लैब हैं उसमें कोई पेंडेंसी नहीं। तो अभी हमारे पास कैपेसिटी ऑक्सीजन की क्या है और कितने पेशेंट्स? हमारे पास सफिशियंट है, ना पहली वेव में ना इस वेव में ऑक्सीजन शॉर्टेज की मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है। अच्छा, आपके पास शायद नहीं आई है कंप्लेंट, लेकिन हमारे पास कई कंप्लेंट आ चुकी है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं और कुछ लोगों को वेंटिलेटर। नहीं, हरियाणा में ऐसा नहीं हो सकता, हरियाणा में हमने सारा 2 दिन पहले भी मॉनिटर किया है, हरियाणा में हमारे पास ऑक्सीजन की कोई शॉर्टेज नहीं। वैक्सीन की क्या स्थिति है? आपके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चालू है, तेजी से होगा, क्या होगा? देखिए, हम 29 लाख लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं और हमारा टारगेट है कि अप्रैल एंड तक हम 35 लाख लोगों को वैक्सीन लगा दें। जो 45 साल से ऊपर की आयु के लोग हैं उन सारों को मई महीने तक हम 45 साल के हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन लगाने की हमारी प्लान है और हमें जरूरत के मुताबिक वैक्सीन मिल रही है और हम वैक्सीन लगा रहे हैं। शुरू में हमें दिक्कत आई थी,
शुरू में दिक्कत आई थी कि लोग हेजिटेट करते थे, और जो कुछ हमारे बुद्धिजीवियों द्वारा ये भ्रांतियां फैलाई गई थी कि ये वैक्सीन खराब कर सकती है, नहीं लगवानी चाहिए, इसलिए लोग हेजिटेट करते थे। मैंने उसका भी तरीका निकाला, मैंने अपने विभाग को कहा कि सामाजिक संस्थाओं को इन्वॉल्व कीजिए, व्यापारिक संस्थाओं को इन्वॉल्व कीजिए, जो राजनीतिक पार्टियों को इन्वॉल्व कीजिए, उनको कहिए कि वो कैंप ऑर्गेनाइज कराएं, व्यापारिक जो संस्थाएं हैं वो कैंप लगाएं, और उन्होंने लगाए। जब उन्होंने लगाए तो उन्होंने लोग भी इकट्ठे करे, लोग इकट्ठे करे तो लोग एक दूसरे को देखकर आए भी और लोगों ने लगवाए भी। आज की तारीख में हमारी वैक्सीनेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, इन दो प्रदेशों में तो चीफ मिनिस्टर ने वहां के कहा है कि उनको वैक्सीन की कमी हो रही है। और नहीं देखिए, अब वो राजनीति करते हैं, इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जहां तक मुझे रिकॉर्ड की जानकारी है महाराष्ट्र को सारे प्रदेशों से ज्यादा वैक्सीन मुहैया कराई गई है। नहीं, मैं राजनीतिक प्रेशर नहीं पूछना चाहता, मैं उसको, पर मैं इस तरह से पूछना चाहता हूँ कि आप कम से कम 60-70% पॉपुलेशन जब तक वैक्सीनेट नहीं होगी तब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी, तो इसको करने के लिए सिर्फ 1 महीने का गोल काफी नहीं है, ये मतलब 6 महीने 1 साल की प्रक्रिया है और इसको लगातार जारी रखना है। देखिए ऐसा है, हमें देखना ये भी होगा कि हमारे पास प्रोडक्शन कितनी है। हमारे पास 7 करोड़ रोजाना की डोज की प्रोडक्शन हो रही है, 6 करोड़ कोविशील्ड की हो रही है और 1 करोड़ कोवैक्सीन की हो रही है, तो वही तो देंगे ना हम। जब ज्यादा आ जाएंगी, अब स्पुतनिक आ गई, जब स्पुतनिक आ गई और ज्यादा आ जाएगी, केंद्र सरकार सारे प्रदेशों को भेदभाव के बिना किसी राष्ट्र को तो सबसे ज्यादा देगी। अच्छा, बस आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके अनुमान में अभी कितना समय लगेगा, ये कितनी तेजी से बढ़ेगा और कितना समय आपके अनुमान में लग रहा है लगेगा इस महामारी को काबू में लाने के लिए? देखिए, इस वायरस का ठीक ठीक अनुमान कोई नहीं लगा सकता, ये बहुत ही बेईमान वायरस है, लेकिन मुझको ये लग रहा है कि अभी ये बहुत तेजी से बढ़ेगा और हम उसकी तैयारियां कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद द्रविड साहब हमसे बात करने का और बताने के लिए कि हरियाणा किस तरह से तैयारी कर रहा है इस महामारी के लिए। आपके प्रयास सफल हो, यही हमारी शुभकामना है। नमस्कार, धन्यवाद।